बसमिल नाजरीन बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ गई आर्मी चीफ नए आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर उनकी अपॉइंटमेंट कर दी प्राइम मिनिस्टर ने और उसके साथ साथ जो सेकेंड सीनियर मोस्ट साहिर शमशाद साहब हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए और ये दोनों अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ने कर दी अब ये अपॉइंटमेंट्स ये एडवाइस के साथ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के साथ प्रेसिडेंट अलवी साहब के पास जाती जाएंगी और फिर अब देखते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट अलवी साहब किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे लेकिन ये बहुत बड़ी ख़बर पाकिस्तान की आज के लिए आज की बहुत बड़ी ख़बर और इसी ख़बर के मतलब है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा कौन आर्मी चीफ़ बनेगा पिछले कई माह है इसके ऊपर फोकस था हमारा मीडिया हमारी सियासत और जिस तरह एक्सपेक्टेड था और मैंने बहुत पहले आपको इंडिकेट किया था मैं पाबंद था कि मैं नाम ना लूं लेकिन बहुत पहले से मैं आपको बता रहा था कि सीनी सीनीर सिन्यौर, सीनीरिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होंगी और उसी तरीके से हुआ और पहले ज़ाहिर है बहुत सी कंसड्रेशन थी इस्टेबलिशमेंट के साथ ज़ायरा हो सकता है कि जी उनकी उनकी भी ज़ाहरा मशूरा था सब कुछ था ये भी कंसड्रेशन थी कि जी नंबर टू को आर्मी चीफ़ बनाया जाए और नंबर वन को आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें लेकिन फैसला जो हुआ था और जो मैं आपको बहुत पहले बता रहा था कि जी सीनियरिटी बेस्ड अपॉइंट जो, जो 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 सीनियर मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जो पी एम एल एन है जो, जो शबाज़ शरीफ साहब हैं सबको इस बात का मतलब है कि था कि जी पहले हमने पिक एंड चूज़ करते रहे हम मतलब है कि तीसरे चौथे पाँचवें छठे नंबर से लोगों को हम अपॉइंट करते रहे आर्मी चीफ़ और उसका जो भी कंसिक्वेंस निकला लेकिन अब वो तजर्बा नहीं करेंगे अब सीनियर सीनियरिटी के ऊपर सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उनके ऊपर हम मतलब है कि जो भी उनमें से होंगे उसमें फैसला किया जाएगा और और मैं आपको ये बताऊं कि अब चूंकि मैं आपको बार बार कह रहा था कि मेरे पास वो नाम है लेकिन मैं पाबंद हूँ कि मैं नाम ना बताऊं और जनरली आपको पता है कि यही डिस्कस किया जा रहा था जब मैं वी करता था जब मैं तो मेरे कमेंट्स जो आते थे लोगों के आम लोग भी बल्कि यही कहते थे कि हमें पता है कि आर्मी चीफ आसिम मुनिर को बनाया बनाया जाएगा तो ये सबको वैसे पता था लेकिन नाम लेना जाहिर है आपकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है और वो नाम अनाउंस करना क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और वो उस लिहाज से फौज को ही ये ये जो प्राइम मिनिस्टर जो है जो कंप्यूटर अथॉरिटी हैं उन्हीं को ये ऐलान करना चाहिए और उन्हीं की तरफ से ये फॉर्मल आज कैबिनेट मीटिंग के बाद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ऐलान आ गया अब ये एडवाइस चली गई प्रा प्रेजिडेंट साहब के पास अब देखते हैं कि प्रेज, प्रेजिडेंट साहब इसके ऊपर किस किस्म का रिस्पांस करेंगे कितनी इसके ऊपर देर कर सकते हैं क्या उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं इमरान खान साहब ने चूंकि कल एक कह दिया बात हालांकि जो मेरी इन्फॉमेसन है जो मैं आपसे पहले बार बार कह रहा था कि मैं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसमें प्रेजिडेंट साहब कोई रुकावट डालेंगे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसमें इमरान खान साहब कोई इस मसले को कम्प्लिकेट करेंगे अब ज़ाहिर है चुके टॉप मोस्ट लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो अब एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि प्रेजिडेंट साहब जो हैं वो आ, मतलब है कि स्मूथली इस चीज़ को अप्रूवल दे के तो इसको ताकि ये कोई कंट्रोवर्सी ना हो और इसको अगर कंट्रोवर्सिया बना दिया तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी फ़ौज से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हो जाएगी फ़ौज के कमांड के मतलब कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो इस लिहाज तो से बहुत अब सब सब के सब पहले फोकस अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर था तो अब सारे का सारा फोकस प्रेजिडेंट साहब के ऊपर है कि प्रेजिडेंट साहब क्या करेंगे इमरान खान साहब ने जो कल एक बात की हो सकता है कि उन्होंने देखें वो जो जिस तरीके से वो बात करते हैं बाजा उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के तहत हम खेलेंगे तो देखें ऑलरेडी मेरी कल भी बात हुई थी पी के, के लीडर से तो उन्होंने कहा कि हमारा फैसला यह है कि हम जिसको मर्जी वो बना दें हम उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी हम क्रिएट नहीं करना चाहेंगे हम इस इश्यू को चीफ, चीफ आर्मी चीफ के मसले के ऊपर हम किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना प, पढ़ना चाहेंगे ये बात मुझे कल भी बताई पी टी आई के एक लीडर ने अब देखना यह है कि क्या इमरान ख़ान साहब और यही वाली बात उन्होंने कि उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब की ज़े सदारत इस बात के ऊपर हमारा फैसला हुआ था तो अब देखते ये हैं कि इमरान खान साहब किस तरह से रिएक्ट करते हैं हाँ ये पॉसिबिलिटी है कल मैं आपको बता दूं कि मुझे एक मेरे सोर्स से जो मैंने कल भी आपको ब्लॉग में बताया था मेरे एक बड़े क्रेडिबल सोर्स ने मुझे बताया था कि ये कंसल्टेशन जरूर करेंगे प्रेसिडेंट इमरान खान साहब से जो कि वैसे मैं आपको बताऊँ कि बड़ा एक बहुत बड़ी गलती होगी ऑन पार्ट ऑफ प्रेजिडेंट इस लिहाज से गलती होगी कि प्रेजिडेंट तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते होते उन वो तो इस किस्म की कंसल्टेशन किसी एक सियासी लीडर के साथ जिसके जिन जिस जिस सियासी पार्टी के साथ उनका पहले ताल्लुक रहा अगर वो इस किस्म की कंसल्टेशन करते हैं तो ये पोलिटिसज़ हो जाएगा मसला यानी कि ये, ये प्रेजिडेंट साहब के हक़ में नहीं होगा और ये पी टी आई के हक़ में नहीं होगा इमरान खान साहब के हक़ में नहीं होगा लेकिन वो एक मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिक्स ये की जाएगी कि वही वाली जो मैं कल आपको बात बता रहा था कि इमरान खान साहब इस किस्म का इंप्रेशन देंगे कि मेरी भी बैकिंग शामिल है मेरा भी अप्रूवल शामिल है मेरी भी कंसेंट शामिल है इस इन अपॉइंटमेंट्स में तो उस लिहाज से जो मुझे मैं बता रहा था कि कल जो इमरान खान साहब के इंटरव्यू से पहले मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया था कि कंसल्टेशन करेंगे प्रेसिडेंट और ये भी मुमकिन है कि प्रेसिडेंट साहब जहाज़ में जाएं लाहौर जमान पार्क इमरान खान साहब से मुलाकात करें और ज़ाहिर है वो एक फ़ोटो सेशन होगा नज़र आएगा लोगों को और फिर उस मुलाकात के बाद वो वापस आके तो आके इस समरी को उसी दिन मतलब है कि आज ही पॉसिबली आज ए, आज ही या कल जो है उसको वो अप्रूव कर देंगे और इस तरह से ये अपॉइंटमेंट मच्योर हो जाएगी इन केस वो कुछ और करते हैं कि जिस तरह एक हैं कि जी वो साइन नहीं करते और वही वाली बात पंद्रह दिन की बीस पच्चीस दिन की तो इससे फैसला तो तब्दील नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर का डिले हो सकता है फैसला तब्दील नहीं होगा और इस लिहाज से कुछ लोग तो कोर्स में भी जा सकते हैं अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान में ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा इसका बहुत ज़्यादा नुकसान फ़ौज के इदारे को होगा और ये मैं आपको बता दूँ कि फ़ौज ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये जब डिस्कशन इनकी हुई सब जो ये सारे प्रोसेस में वो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते <coughs> वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि जी इस मसले के ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी कोई क्रिएट हो और 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 आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को अदालतों में मतलब है कि ले जाया जाए और वहाँ पे अदालतों में ये मसला डिस्कस हो और फिर इसी लिहाज से इसको लटका दिया जाए आर्मी आपको पता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको बड़ी फोकस्ड जाहिर है उनको अपनी कमांड जो है अगर आप उसकी कमांड के बारे में क्वेश्चन रेज कर दें और उसके ऊपर अगर आप उसको उसको इस किस्म की ही जान किसी कैफियत में कन्फ्यूजन में डाल दें तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान की फ़ौज के लिए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की सियासत के लिए पाकिस्तान की इकानी के लिए और मैं आपको बताऊँ मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी देखें इस तरह की बात अगर इमरान खान साहब करते हैं तो जाहिर है इमरान खान साहब कब... का कोशिश होगी कि को नए आर्मी चीफ को प्रेशर में डालें ये करें वो करें और वो इस किस्म की सियासत करते रहें इस तरह की बहुत सी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी मेरी नज़र में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ऑन पार्ट ऑफ इमरान खान ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी ऑन पार्ट ऑफ पी ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी ऑन पार्ट ऑफ प्रजिडेंट अगर वो इस चीज को कंट्रोवर्शल करके इसको पोलिटिसज करके और इसको लटका देते हैं और वही 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 वाली बात कि इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पेक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ज के ऊपर तो ये काम मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ और मेरी उम्मीद भी यही है आप देखिएगा कि मैं जैसे पहले भी आपको कह रहा था कि अभी अभी तक सारा बड़ी स्मूथ चीज़ें हुई हैं तमाम तरह अप्रिहेंशनस के बावजूद मुझे उम्मीद है कि इन इसका जो कंक्लूजन है प्रेजिडेंसी से भी वो भी एक स्मूथ तरीके से हो जाएगा इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए जाकाल